कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, इन्हीं पंक्तियों को सच कर दिखाया है हमीरपुर जिला के मनसूही निवासी किशोरी लाल शर्मा ने। किशोरी लाल शर्मा वन विभाग से डिप्टी रेंजर पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्हें बचपन से पेड़ पौधे से प्यार रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपने यहाँ काफी पेड़ पौधों को लगाया है। किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि 2008 में वे कुल्लू जिला में डिप्टी रेंजर पद पर तैनात थे, तो उन्होंने अपने रिहायशी मकान में देवदार के पौधों की नर्सरी तैयार की। वहां से 100 पौधे लाकर अपने घर पर लगाए, जिसमें केवल 5 पौधे ही सफल हो पाए, जो आज 20 से 30 फुट ऊंचे हो चुके हैं। इसके बाद किशोरी लाल ने एक दर्जन से अधिक देवदार के और पौधे लगाए, जो भली भांति लहरा रहे हैं। वहीं किशोरी लाल ने बताया कि उन्होंने अपने बगीचे में अखरोट, आंवला, ड्यू, नींबू, लसूड़ा, आम इत्यादि पौधे भी लगाए हैं। किशोरी लाल शर्मा ने पर्यावरण दिवस पर संदेश देते हुए लोगों से पेड़ न काटने की अपील की है और अपने जन्मदिन पर पौधे को लगाने की नसीहत भी दी है। मैं 2008 में कुल्लू में कैश ब्लॉक में डिप्टी रेंजर था। उस वक्त मैंने अपने क्वार्टर में ही ये तैयार किए और वहाँ से ही बीज लिया 2008 में। फिर मैंने इनको बड़े वहीं पर बड़ा किया, फिर यहाँ आकर लिफाफे में लगा लेकर आया हूँ, फिर यहाँ लगाए और 2008 के बाद कम से कम मैंने आज तक 50 पौधे तैयार कर दिए हैं, जो कि आपके सामने देखने को लग रहे हैं। ये कम से कम 30-35 फुट हाइट के हो गए। इसमें 50 पौधों में से 20 पौधे तो ऐसे हैं वो 35-35 फुट की हाइट के हो गए हैं। सर कैसे यहाँ का जो पर्यावरण है इस तरह का नहीं है, गर्म पर्यावरण है, फिर भी ये पौधे उगाए हैं, कैसे किया आपने ये? यहाँ की मिट्टी ठीक है, इस जगह की मिट्टी ठीक होने की वजह से यहाँ पर कामयाब हो गया, और जहाँ पर मैंने और जगह भी लगाए मिट्टी ठीक नहीं वो कामयाब नहीं हुए। सर पर्यावरण दिवस पे आप क्या संदेश देंगे लोगों को? पर्यावरण दिवस पर मैं ये कहता हूँ कि जितना भी हो सके अपने जन्मदिन पर या पर्यावरण दिवस पर एक एक दो दो पौधे जरूर लगाएं, चाहे किसी भी किस्म के हों, अगर द्यार के लगा सकते हो तो द्यार के। वहीं स्थानीय लोगों ने भी किशोरी लाल द्वारा लगाए गए पौधों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के पेड़ ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं, लेकिन किशोरी लाल ने यहाँ ऐसे पौधे उगाकर एक मिसाल पेश की है, जो सबके लिए एक प्रेरणादायक कार्य है। पापा जी ने एक बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया है, क्योंकि ये जो पौधे हैं देवदार के हैं, लगभग हमने हर तरह के पौधे लगा रखे हैं, कुछ औषधि गुणों वाले भी हैं, तो ये लगभग मतलब जो ऊपर के पहाड़ हैं, शिमला है, मनाली है, इन जगह पे होते थे। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा माहौल देके, अच्छा वातावरण और अच्छी पानी की व्यवस्था करके इन पौधों को यहाँ कामयाब किया है। तो जैसे ही हम शाम को इधर बैठते हैं, थोड़ा पानी चलाते हैं, इन पौधों को देते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा एहसास आता है कि जैसे हम मनाली में बैठे हों। और प्रकृति में आप जानते हैं कि प्रकृति में प्रकृति का एहसास क्या होता है, तो उसमें हमें ये बहुत अच्छा लगता है जब हम शाम के टाइम इधर बैठते हैं, ठंडा माहौल होता है। इस अभी मतलब जब 44 डिग्री तक तापमान जा रहा है हर जगह का, तो यहाँ पे एक अलग एहसास होता है। यहाँ आसपास के इलाकों के लोग भी आते हैं शाम के समय, तो उनके लिए भी एक विषय बना हुआ है कि यहाँ पे देवदार के पौधे कैसे इतने अच्छे ग्रोथ पकड़ गए, और सब कुछ है। और प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता ज़रूर दिखाएं, और दिन में कम से कम 2-3 घंटे के लिए ज़रूर मतलब इन चीज़ों के प्रति अपना हाथ से काम करें।